दोस्तों पोको ने अपने नए डिवाइस X3 को यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। 22nd ऑफ सितंबर को इसे इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है और 29th ऑफ सितंबर से ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव हो जाएगा। साथ ही साथ इस फ़ोन के बारे में जितनी भी अभी तक स्पेक शीट्स आ रही थी, जितनी भी डिटेल्स आ रही थी, वो इन्होंने पेपर वर्क से यहाँ पे इसे एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसे एक फ्लैगशिप किलर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग डिवाइस है ये और इसमें इतने फीचर पैक्स इसके फीचर्स दिए गए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इस वीडियो में मैं वो पूरी चीज़ें कैप्चर करूंगा जो मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगी, और इनफैक्ट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लगी जो कि एक उस डिवाइस में आ जाती है जिसका प्राइस जो है 35,000 to 45,000 है। और इसमें क्या क्या खास है, क्या नया डिवाइस है और इसके क्या फॉर्म फैक्टर्स रहने वाले हैं, किस हिसाब का ये दिखेगा, डिस्प्ले से लेके बैटरी से लेके, सब चीज़ों को हम कैप्चर करेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल वो गेम टेक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं स्मार्टफोन, गेमिंग और टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे पोको के नए एक्सपीरियंस UI, पोको के नए फ़ोन पोको X3 के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि इसका हैशटैग था स्मूथ अफेक्शन क्वालिटी, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसमें जो जो चीज़ें आई है बहुत ही यहाँ पे स्ट्राइकिंग चीज़ लगी है। इनफैक्ट इसका यहाँ पे मैंने कंपेयर स्लाइड बनाया है जो कि रियलमी 7 प्रो के अगेंस्ट में है, तो प्राइस और एवरीथिंग में ये उसके बहुत ऊपर यहाँ पे रो करता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात है क्वालकॉम का जो लेटेस्ट ग्लोबल डेब्यूट प्रोसेसर है 732G आया है। साथ ही साथ गेमिंग के लिए इस फ़ोन को देखा जाए, या फिर आप इसके बिंग वॉचिंग के लिए देख लीजिए, या फिर इसका स्क्रीन रेशो देख लीजिए, या फिर इसके आप स्पेसिफिकेशन देख लीजिए। दोस्तों ये बहुत ही यूनिक फ़ोन है, मुझे पता नहीं था कि पोको इस चीज़ के बारे में इतना सीरियस ले लेगा, जो कि रियलमी का एक चैलेंज था, तो पोको ने अभी बहुत सीरियस लेके इसे चालू करी है। तो एक क्विक स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं और साथ ही साथ इसमें डिटेल में हम जाएंगे। तो दोस्तों ये फ़ोन यहाँ पे लॉन्च हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G, जो कि नया प्रोसेसर है क्वालकॉम के द्वारा, और ये अप टू 8GB LPDDR4 RAM को सपोर्ट करता है। LCD 6.67 फुल HD डिस्प्ले है ये, लेकिन ये 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ है, बट ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, जो कि 240 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट यहाँ पे सपोर्ट करता है। लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है, 6000mAh बैटरी विद फास्ट चार्जिंग, 64MP का क्वाड कैमरा है सोनी का, और पोको UI के साथ ये फ़ोन यहाँ पे आया है। चलिए दोस्तों, अब इसको कुछ डिटेल में देखते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ कैमरा, इन टर्म्स ऑफ बैटरी और इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। तो दोस्तों यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 732G, जो कि यहाँ पे ग्लोबली डेब्यूट हुआ है पोको X3 के लिए, वो यहाँ पे आया, जिसका एंड्रॉइड स्कोर 301581 है, जो कि 720 और 730G से काफ़ी ऊपर है। यहाँ पे यदि आप इसको देखेंगे तो ये CPU, GPU और AI में टॉप ग्रेडेड का है। इनफैक्ट 720 और 730G के बहुत फार अवे इसके स्पेक स्कोर्स हैं। बहुत ही अच्छा उम्दा प्रोसेसर डाला है, साथ ही साथ जो यहाँ पे क्रायो यूज़ किया है वो 470 CPU किया है, कि जो 8 NVM प्रोसेसर पे काम करता है, और 2.3 GHz का यहाँ पे प्रोसेसर दिया जो कि गोल कोर्स है। साथ ही साथ Adreno 618 का यहाँ पे सपोर्ट मिला है, जो कि आपने 8618 आपने स्नैपड्रैगन 865 के साथ देखा होगा, सॉरी 855 के साथ देखा होगा, सेम वो यहाँ पे आपको गेमिंग के लिए यहाँ पे चीज़ें मिल रही है। अभी दोस्तों यहाँ पे गेमिंग की बात करें और लिक्विड कूलिंग की बात नहीं करें तो यूँ ही नहीं सकता है। दोस्तों ये उन फ़ोनों में से, उन चंद फ़ोनों में से जो कि आपको 20,000 के अंडर में लिक्विड कूलिंग देते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे तो 6 layer ऑफ लिक्विड कूलिंग है, जो कि आपकी हीट को अप टू 70% कम करती है। एक लार्ज काइंड ऑफ हीट पाइप यहाँ पे यूज़ किया है, जो आपके फ़ोन के ओवरऑल हीट परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है। साथ ही साथ जो यहाँ पे पोको क्लेम कर रहा है वो लेगेसी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, पोको ने अपने भी पिछले फ़ोन्स में भी यहाँ पे लिक्विड कूलिंग दी, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग फीचर है। दोस्तों अब जो इस फ़ोन का सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग पॉइंट है वो इसका डिस्प्ले, जो कि 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले है, बट ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है दोस्तों, जो बेस्ट इन द क्लास है। साथ ही साथ इसमें 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी है दोस्तों, और इसको कंप्लीट पैकेज बनाने के लिए इसको HDR10 का भी सपोर्ट दिया है पोको ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग फीचर है। L1 सर्टिफिकेशन है इसको TUI रेनहैंड द्वारा। साथ ही साथ जब आप इसमें डायनेमिक स्विच का एक मैनेजमेंट देखेंगे दोस्तों, तो मुझे लगता है कि पोको बहुत ही सीरियस गेम खेल रहा है सॉफ्टवेयर टर्म्स में। अभी तक OnePlus के पास भी डायनामिक स्विच जैसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं आया है, Realme देता है, बट ये उससे कई ज़्यादा आगे। जैसे इसमें डायनामिक स्विच में आपको ऑटो मैनुअल कुछ नहीं करना पड़ता, एवरीथिंग इज AI बेस्ड। तो सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप कुछ देख रहे हैं वो 120 हर्ट्ज़ पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये देखिए, इस इमेज रही 50 हर्ट्ज़ पे काम करेगी, वीडियो प्लेबैक है 60 हर्ट्ज़ पे, गेमिंग रहे 90 to 120 हर्ट्ज़ डिपेंडिंग अपॉन थ्रॉटलिंग, और 120 हर्ट्ज़ का इसका स्कोरिंग। आप देख रहे हैं कि पोको ने किस हिसाब का इसका मैनेजमेंट किया है दोस्तों। आप अपने फ़ोन को
AI के बेस पे छोड़ सकते हैं, वो आपके हिसाब से कंटेंट को यहाँ पे कस्टमाइज़ कर देगा कि आपको किस हिसाब का व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहिए। बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज़ है, आप ज़रूर देखिएगा इस फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों इतने सॉफ्टवेयर ट्वीक्स के बाद हम बैटरी की बात ना करें तो ही नहीं सकता। तो ये फ़ोन सपोर्ट करता 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग विद 6000 mAh बैटरी। इट्स सो ह्यूज। इसका प्लेबैक टाइम, इसका चार्जिंग बहुत ही फास्ट है, 26% बहुत ही ईजिली क्विकली होता है। मैं इनफैक्ट 45 मिनट्स में आपका फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब कैमरे की बात कर लेते हैं। तो इसमें फ्लैगशिप लेवल का 64 MP का सोनी IMX682 सेंसर है, जो कि 1.73 लार्ज अपेरेचर के साथ आता है, साथ ही साथ 4-in-1 सुपर पिक्सल के साथ ये फ़ोन आता है। बाकी कैमरा सेटअप हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें डेप्थ सेंसिंग के लिए AI पोर्ट्रेट मोड है जो 2 MP का है, साथ ही साथ अल्ट्रा वाइड एंगल 119 का है जो कि 13 MP का, साथ ही साथ मैक्रो कैमरा है जो कि 4 cm 2 MP का है, और एक बहुत ही पावरफुल LED फ्लैश यहाँ पे दिया है। क्वाड कैमरा सेटअप है, कुछ फोटोज़ मैंने यहाँ पे लगाई, आप प्लीज़ चेकआउट करिएगा इसका डिटेलिंग, इसका डेप्थ और इसका शेडो इमेज देखिए। बहुत ही कैपेबल है। 682 एक नया प्रोसेसर है, सेंसर है कैमरे का, जो कि यहाँ पे सोनी ने इंट्रोड्यूस किया है। बहुत ही अलग अलग तरह के यहाँ पे मोड सपोर्ट करता है, साथ ही साथ 4K तक का बैक सपोर्ट का ये रिजोल्यूशन सपोर्ट करता है, साथ ही साथ 30 FPS और 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग ये आपको सपोर्ट देता है। कुछ यहाँ पे स्पेशल मोड्स है जैसे वर्ल्ड वाइड मोड्स या AI स्काई स्कैपिंग मोड है, जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। इसमें आप ट्रेल ट्रिलिंग या स्टार ट्रैकिंग ये सब कुछ फीचर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कुछ और मोड मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इस कैमरे के बारे में, तो जैसे आपने देखा है कि जो इसका फ्रंट कैमरा है वो 20 MP का है, जो कि अल्ट्रा वाइड को सपोर्ट करता है। एक्चुअली अल्ट्रा वाइड डेडिकेटेड नहीं है, बट ये काफ़ी बड़ा अपेरेचर वाला कैमरा है जो आपको बहुत ही अच्छी सेल्फी देता है। यहाँ पे कुछ मैंने सैम्पल इमेजेस लगाई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फ़ोन में और क्या क्या खास रखा है हम लोगों के लिए वो हम देख लेते हैं। IR ब्लास्टर के साथ 3.5mm जैक को यहाँ पे रिटेन किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे जो बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज़ वो ये दी है कि हाइब्रिड सिम स्लॉट होने वाला है, आप यहाँ पे माइक्रो कार्ड SD भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए हैं जो कि हाई रेस साउंड को सपोर्ट करते हैं। बहुत ही इमेंस आपको यहाँ पे इसका सपोर्ट और साउंड क्लैरिटी मिलने वाली है, साथ ही साथ फ्रंट होने वाले हैं इसलिए बहुत ही अच्छा इसका साउंड आउटपुट होगा। साथ ही साथ इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, प्लस पावर बटन है। बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन जो सैमसंग के फ़ोन में आता है। IP53 रेटिंग के साथ ये फोन आता है, जो कि आपके फोन को स्प्लैश और डस्ट प्रूफ बनाता है, जो कि UV सर्टिफाइड है। तो बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज है, इस प्राइस पॉइंट में आपको ये सब चीजें यहाँ पे ये फोन दे रहा है। साथ ही साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का 5 का यहाँ पे सपोर्ट दिया है, जो आपके फोन को स्क्रैच और बाकी छोटी मोटे डेंट से बचा के रखेगा। साथ ही साथ यदि हम देखें तो AI सर्च इंजन यहाँ पे यूज किया है, जो एनहेंस DSP पे है, जो आपकी थ्रोटलिंग और आपके सिग्नल रिसेप्शन के ऊपर काफी फोकस करता है, आपके फोन को बहुत ही अच्छा प्रोसेसिंग पावर देता है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फोन जो है वीडियो प्लेबैक और बाकी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा फोन है। यहाँ पे इन्होंने यूरोपियन वेरिएंट से यहाँ पे NFC को डिच कर दिया दोस्तों। इस फोन में NFC नहीं है, बट ये फोन में बैटरी जो है वहाँ के कंपेयर में बहुत बड़ी बैटरी दी गई है। साथ ही साथ इसमें 2 कलर अवेलेबल है, एक है शेडो ग्रे और यहाँ पे एक इसका कलर है जो कि कोबाल्ट ब्लू यहाँ पे पोको ने यहाँ पे दिया है। दोस्तों यूरोपियन वेरिएंट में खाली एक NFC का एक्स्ट्रा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विक करके इस फोन को दिया है। मुझे अच्छा लगा कि इंडिया के लिए, खाली स्पेसिफिक इंडिया के लिए उन्होंने ये सब चेंजेस किए हैं। NFC का वैसे तो बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, बट फिर भी यदि NFC के साथ 6000 mAh की बैटरी ये देते तो इसकी कुछ और बात होती। प्राइस पॉइंट की देखा जाए तो 6GB 64GB 16999 का है, 6GB 128GB 18499 का है, और 8GB 128GB 19999 का ये फ़ोन दिया है। बहुत ही एक्साइटिंग होगा फ़ोन का देखना। आप की कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट इनबॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। We'll be right back.